दोस्तों नमस्कार, मैं रमू सिंह। भाजपा में किसके लिए कांटा बन चुके हैं शिवराज? शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश की राजनीति में अपने आप को अंगद की पांव की तरह स्थापित कर लिया है। केंद्रीय नेतृत्व से लेकर प्रदेश के कई नेता शिवराज के राजनीतिक पांव को कमजोर करने में दिन रात मेहनत कर रहे हैं, मगर शिवराज अपने हर विरोधियों की चाल को नाकाम करने में कामयाब हो रहे हैं। शिवराज को चुनौती देने अब मुरलीधर राव सामने आए हुए हैं। शिवराज ने न सिर्फ मुरलीधर राव की चाल को समझा, बल्कि अपने राजनीतिक कौशल से राव की चाल का रायता बना दिया। एक सवाल तो बनता ही है, मुरलीधर राव को केंद्र से किसने यह चाल चलने के लिए मध्य प्रदेश भेजा? दरअसल मुरलीधर राव मध्य प्रदेश आकर शिवराज की अनुपस्थिति में एक एक विधायक से अकेले में मिलना चाहते थे। शायद विधायकों से फीडबैक लेकर शिवराज के खिलाफ एक रिपोर्ट तैयार की जाती, शिवराज के खिलाफ विरोधी माहौल तैयार किया जाता। शिवराज तीर्थ यात्रा पर जाने वाले थे, शिवराज ने माहौल को समझा, तीर्थ यात्रा कैंसिल की। दिल्ली से आए मुरलीधर राव को दिल्ली से ही फोन कराकर शिवराज ने विधायकों के अकेले मिलन का कार्यक्रम रद्द करा दिया और फिर संगठन के लोगों को सुबह से शाम तक इंतजार कराया शिवराज ने। फिर जब शिवराज आए, सामने बैठकर संगठन का विधायक मिलन संभव हो पाया। अब कोई भी विधायक शिवराज के सामने बैठकर शिवराज के खिलाफ संगठन को कुछ बोल पाने का साहस रखता हो ऐसा संभव नहीं है। फिर भरे बैठक में शिवराज ने विधायकों की ऐसी पोल खोली जिसे सुनकर संगठन सन्नाटे में आ गया है। शिवराज ने कहा, हर विधायक इतनी लंबी ट्रांसफर लिस्ट लेकर आता है, अगर सभी की लिस्ट अनुसार ट्रांसफर कर दें तो मध्य प्रदेश के किसी भी अस्पताल में डॉक्टर नहीं बचेगा, न प्रदेश के किसी स्कूल में मास्टर बचेगा। वैसे ट्रांसफर को बीजेपी ने ही ट्रांसफर उद्योग का नाम दिया है। मंत्री मलाई मार रहे हैं, विधायकों के पास ट्रांसफर से ही थोड़ी बहुत मलाई आने की उम्मीद है, वरना विधायक अगर अपनी सैलरी से जनसेवा करेंगे तो शादी पार्टी के आवागमन के डीजल पेट्रोल के लिए भी उधारी मांगना पड़ सकता है, फिर शगुन का लिफाफा, चाय नाश्ता कराने के लिए मुंह चुराना पड़ सकता है, घर पर होते हुए भी कहलवाना पड़ सकता है विधायक घर पर नहीं है। सबसे बड़ी जनसेवा वर्तमान में ट्रांसफर ही तो है। पार्टी संगठन के वह लोग ट्रांसफर के सिफारिश पत्र लिखते हैं, इसके एवज में कागज पेन सहित लिखने की मेहनत का मेहनताना लेना बिल्कुल भी नहीं भूलते, वरना पार्टी संगठन के यह मुखिया एक साल में घर बेच दें। एक ट्रांसफर ही तो है जो हर साल नया घर, नई गाड़ी, नई जमीनें खरीदवाता है। बोलो राम राज्य की जय।